नीमच शहर में होने वाले आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी एवं मुहर्रम के कार्यक्रमों को नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि राज्य शासन के सख्त आदेश के निर्देश अनुसार आगामी समय में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी तरफ से पूजा अर्चना फातिहा वगैरह सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए घर पर ही आयोजित करने की अपील भी की है। अभी गृह मंत्रालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। मैं पुनः उसको दोहराता हूँ, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो पुराने गणेश जी अपन स्थापित करते थे, पंडाल लगाते थे, वो कहीं भी स्थापित नहीं होंगे। दूसरा, अभी आगामी मुहर्रम दोनों साथ साथ आने वाले हैं, मुहर्रम में जो ताजिए सार्वजनिक स्थलों पर रखे जाते थे वो बिल्कुल नहीं रखे जाएंगे। सिर्फ धार्मिक स्थल जो हैं उसमें आप प्रोटोकॉल का पालन करके 5 लोगों के साथ मास्क लगाकर और जो उसके प्रोटोकॉल हैं सैनिटाइज़र और हाथ धोने का उनको इस्तेमाल करके आप अपने उत्सव को मना सकते हैं। उत्सव घर में मनाए जाएंगे, किसी भी तरह का डीजे, किसी भी तरह का प्रोसेशन, किसी भी तरह का बाहर निकलना ये बिल्कुल प्रतिबंधित होगा और हम जो है बिल्कुल इसको सख्ती के साथ लागू करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।